राम राम जय माता दी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से, और ये मेरे पशु है यहाँ पे, इनको मैं अंदर कर लूँगी। तो पशुओं को मैंने अंदर कर दिया और फटाफट से वीडियो नहीं बनाई हमने, दौड़े हुए आ गए। सांस रुक जाती है। तो आज मीनाक्षी का नवोदय का पेपर है, तो पशुओं का काम ख़त्म करके उनको घास पानी खिला पिला के अंदर बांधा और अब जा रहे हैं इसका पेपर दिलाने, वो है अर्की में। आप सभी नवोदय का पेपर है इसका आज, तो बस के लिए जा रहे हैं हम, जो हमारे गांव से जाती है बस, और थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, अब थक गए हैं और बस का थोड़ा सा टाइम बचा है, पता नहीं मिलेगी भी ना मिलेगी। तो उनको आगे भेज दिया था कल्पना प्रिंस को तैयार करके, भारती भी आज हमारे से आगे निकल गई थी, क्योंकि अगर बस छूट जाती है तो फिर पैदल जाना पड़ता है बहुत दूर। तो राम राम जय माता दी, अब आगे मिलते हैं आपके साथ। तो हम पहुंच गए हैं जहां से बस जाती है, और हमारे आज का दिन अच्छा था क्योंकि बस अभी नहीं गई थी, हम बहुत तेज दौड़े। और यहाँ पे ये मेरे जीर्ची थे जो साथ में थे, और ये भी यहाँ पे चले थे कहीं पे, बस का वेट कर रहे थे। तो ये आ गई हमारी बस और हम पहुँच चुके हैं अपने गांव में। ये देखिए यहाँ पे गाय ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, और ये दो बच्चियाँ है गाय की, तो एक ही गाय ने दो बच्चों को जन्म दिया है। और ये है हमारा गांव। तो हमारा गांव घर से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये है आसपास का नज़ारा सुबह का। अभी सुबह के बजे हैं 9, तो 9 बजे आती है हमारी बस, पर हमें अपने गांव तक आना पड़ता है बस लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे पहाड़ों में भी कितनी अच्छी फसल हो रखी है गेहूं की। वैसे तो बिना बारिश के गेहूं हमारे नीचे बहुत कम थी, पर यहाँ पे पानी का टैंक भी है, तो इन्होंने सिंचाई करके यहाँ पे फसल ले ही ली गेहूं की। और ये है यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा। तो यहाँ पे पहाड़ों में दो दो फसलें ले लेते हैं। देखिए एक तरफ गेहूं पकने वाली है और दूसरी तरफ कितनी हरी है। तो यहाँ पे जब मर्जी फसल बीजे पूरी फसल आ जाती है और अच्छे से उग भी जाती है। हमारे तो यहाँ पे नीचे टाइम टाइम की फसलें उगती है, जैसे बरसात के दिनों में मक्की और सर्दियों के दिनों में गेहूं, और गेहूं बिना बारिश की तो हमारे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अगर एक दो बारिश हो जाए तब भी अच्छी फसल हो जाती है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे घनागू में, और यहाँ पे आते हैं पढ़ने मीनाक्षी और भारती, प्रिंस और कल्पना जाते हैं छोटे स्कूल में। तो यहाँ से बस मुड़ती है ये, तब जाती है अर्की के लिए। यहाँ तक बच्चे बस में आ जाते हैं नीचे गांव से। तो ये यहाँ पे उतर रहे हैं, ये भारती भी इनके बीच में ही थी पर जल्दी जल्दी से उतर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे उतर गए, और ये आगे है हमारी पंचायत, यहाँ से आती है बस कच्चे रोड से। और हमारे पहाड़ों में बहुत ही ख़तरनाक टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं हम, तो ऐसे ही मैंने थोड़ी सी क्लिप
बनाई और ये है पहाड़। देखिए कितने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो हम पहुँच गए मेन रोड में जो सोलन के लिए जाता है। तो यहाँ पे हम उतर पहुंच गए बस से। यहाँ पे वो इसका एडमिट कार्ड निकाला और इसको ये गत्ता लिया, पेन लिया और पेपर होगा नीचे बॉय स्कूल में। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। ये हमारी तहसील है, यहाँ पे हम उस दिन भी आए थे। तो पेपर होगा नीचे यहाँ पे बॉय स्कूल नहीं जाएंगे और छोड़ने के बाद तुरंत आप ऊपर आएंगे, किसी भी तरह का जमघट ना लगाएं। मेरा बार बार आपसे निवेदन है किसी भी तरह का जमघट ना लगाएं। यदि आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे हमसे पता। तो यहाँ पे पेपर का टाइम दिया गया था 10 बजे से 1 बजे तक। तो यहाँ पे कोई नहीं जा सकता था और यहाँ पे सभी ऊपर सभी पेरेंट्स बच्चों के वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का। तो मैंने भी यहाँ पे अपना कुछ काम था मेरा वो करवाया और उसके बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पर। तो ये था यहाँ पे लगा हुआ पोस्टर, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023। और अभी 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और सभी अपने अपने बच्चे लेने के लिए जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे सभी बच्चों के पेरेंट्स बच्चों का वेट कर रहे हैं और ये आ गए बच्चे पेपर दे करके। अगर आप को भी नवोदय के पेपर की जानकारी चाहिए होगी तो मेरे पास क्वेश्चन है वहाँ का, जो क्वेश्चन पेपर आता है इनको, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर किसी को नवोदय के पेपर की जानकारी चाहिए होगी कि कैसा पेपर आता है। तो यहाँ पे इनका पेपर ख़त्म हो गया है और अब हम जाएंगे घर के लिए। तो ये आ गए बच्चे अंदर से बाहर और सारे स्कूलों के बच्चे आए थे यहाँ पे। 25-30 स्कूल, जैसे प्राइमरी 25-30 स्कूल है हमारे यहाँ की तहसील के। तो वहाँ के सभी बच्चे आए थे यहाँ पे पेपर देने के लिए। वैसे तो हमारा ब्लॉक धुंधन पड़ता है पर इस बार यहाँ पे हुआ पेपर और एक अचानक से बारिश लगी। देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी, हम तो छत्ता भी नहीं ले गए थे। इतनी तेज़ बारिश लगी थी कि बस भी बड़ी मुश्किल से पकड़ी हमने। बस भी हमारी जाने वाली थी, बस के लिए बस स्टैंड को आना पड़ना था। तो हम बैठ चुके हैं बस में और अब जाएंगे घर के लिए। तो अभी हो गया शाम का टाइम और हम आ गए अर्की से बस में। तो यहाँ पे पहुँचे अपने चील के जंगल में। तो अब घर में जा कर के करना पड़ेगा काम और अभी सिर में लगी है दर्द बहुत ज़्यादा और बारिश भी हुई, बारिश से भी भीग गया हम। तो ठंड भी लगी है, सिर में दर्द भी लगी है। और मीनाक्षी ने पता नहीं कैसा किया पेपर, इधर आ तो कैसा किया पेपर? ठीक ही था, ठीक ही था। अब लगेगा पता जब रिजल्ट आएगा ना, पर चलो अच्छा है, नॉलेज मिल जाती है, निकले जाए ना निकले आ ना। तो अब घर में जाके वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो अब हम भी जा लेते हैं घर में, और देखिए कितनी ज़्यादा हवा लगी है यहाँ पे। तो अब घर में जा कर के फ़ोन रख देंगे साइड में और काम करेंगे। तो बाय 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 बाय।